बैठे हुए हैं। हम लोग आज चौपाल का कार्यक्रम करने जा रहे हैं और ई रिक्शा भी बांटने जा रहे हैं, लेबर कार्ड भी बांटने जा रहे हैं। और यहाँ के जो एमपी हैं मनोज तिवारी जी, जानते हैं आप, जानते हैं आप उनको, जानते हैं आप उनको, उनका भाषण सुना है, उनका गाना सुना है, ठीक है। फिर आज मैं उनके बारे में नहीं कुछ कहती क्योंकि आपके एमपी हैं और जो मंच पर सभी बैठे हैं उनके बारे में आप बोल दिए हैं, जो और भी हैं सभी माननीय हैं, पिछली पंक्ति में है जो भी है सभी हमारे लिए बहुत माननीय है। और सबसे महत्वपूर्ण आप लोग हो जो यहाँ इस प्रोग्राम के लिए आए हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज किसका जमाना है मालूम है आपको, किसका जमाना है, किसका जमाना है आज, कोई बता सकता है मुझे किसका, महिलाओं का, बेटियों का, बहुत अच्छे। तो चौपाल किसके लिए काम कर रही है, किसके लिए काम कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसका नारा दिया है, तो चौपाल बहुत दूरदर्शी, बहुत ज्ञानी, बहुत अच्छे विचार रखने वाले लोगों से के द्वारा पहले नागपुर से शुरू हुई, फिर दिल्ली में माननीय मदनलाल देवी जी और स्वर्गीय केदारनाथ सहनी जी के दूरदर्शी विचारों से यहाँ पे आदरणीय भोलानाथ विद जी और उनकी टीम के साथ उन्होंने 2010 में इसको शुरू किया। और मैं मानती हूँ कि ये जो उनकी सोच थी आज के समय की बहुत ही महत्वपूर्ण सोच है, जो थी है और रहेगी, कि हमें अपनी बेटियों को, अपने समाज की उन बेटियों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनके उनको अपने पांव पे खड़ा करने के लिए उनकी आर्थिक रूप से मदद की जाती है ताकि वो अपने पांव पे खड़े हो जाएं और किसी से भी हाथ फैलाकर उनको मांगना ना पड़े। आपको मालूम है अगर कोई लड़की या बेटी या महिला काम करना चाहती है और उसको आर्थिक सहायता चाहिए तो जितना भी हम कोशिश कर ले महिलाओं के साथ शोषण हो जाता है, होता है ना। तो ये चौपाल उस शोषण को दूर करने के लिए कि महिलाओं के साथ, हमारे समाज की, हमारे देश की बेटी के साथ, किसी के साथ भी अगर उसको मदद चाहिए, वो मेहनत करके कमाना चाहती है, मेहनत करके अपने पांव पे खड़ा होना चाहती है, तो उसको मदद की जाए। ये कोई दया नहीं है, कोई भीख नहीं है, कोई ऐसी भी लाचारी वाली सहायता नहीं है, ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट की सहायता है कि जो बेटियां अपने पांव पर मेहनत करके खड़ा होना चाहती है, रोजगार अपनाना चाहती है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहती हैं कि आओ अगर हम काम करेंगे तो चौपाल हमारी मदद करेगा। तो ये काम काजी उन महिलाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होती हैं, उनको सहायता चाहिए होती है। ये 2010 में शुरू हुआ और स्वर्गीय केदारनाथ सहनी जी बहुत चाहते थे कि मैं उनके साथ काम करूं, और क्योंकि मैं बहुत से काम करती हूं तो मैंने उनके आगे थोड़ा सा हाथ जोड़ा था कि शायद मैं इसमें पूरी ना उतर सकूं। तो अपनी मृत्यु से एक महीना पहले वो अश्विनी जी के पास आए और उन्होंने कहा कि हमारी आदरणीय भोलानाथ जी के अंडर बहुत स्ट्रांग टीम है, मैं चाहता हूँ कि किरण भी इसके साथ जुड़ कर काम करे। तो अश्विनी जी यानी मेरे पति ने उनको स्वीकृति दी कि हाँ किरण आज से काम करेगी। मेरा ये कह लो कि दुर्भाग्य रहा कि उनके जीते जी मैं इस काम से नहीं जुड़ सकी, पर उनके जाने के बाद इस काम में मैं ऐसे जुड़ी हूँ कि मुझे लगता है ये चौपाल जब तक सारे देश के कोने कोने में नहीं फैलेगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगी। इसके लिए
आदरणीय भोलानाथ जी, सौरभ नेहा, जितेंद्र महाजन, किस किस का नाम लूं, रवि बंसल जी, राकेश भाटिया, सभी लोग, किसी का नाम रह जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बहुत लोग इसमें मेहनत करते हैं और वो वॉलंटियर जो बेटियों को उनके छानबीन करते हैं कि इनको ज़रूरत है, उनको भी, क्योंकि भूपिंदर तुम्हें भी साधुवाद दे रही हूँ, क्योंकि इसमें एक एक व्यक्ति की मेहनत है, ये काम इजी नहीं है, इसलिए सारी टीम मिलकर काम करती है। और बहुत सी, ये सिर्फ 85 लड़कियों से काम शुरू हुआ था दिल्ली में, अब इसकी संख्या 25,000 तक पहुंच गई है। और ये काम हमने हरियाणा में भी शुरू कर दिया है, पानीपत करनाल में इसके 5 प्रोग्राम हो चुके हैं। और अभी यहाँ जो आज ये कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, 600 महिलाओं को आर्थिक सहायता देना और ई रिक्शा, और पहली बार ये प्रोजेक्ट ई रिक्शा का दिल्ली में आज से आदरणीय माननीय मदनदास देवी जी के हाथों से ये शुरू हो रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है, माननीय मदनदास देवी जी का जिस काम के लिए आशीर्वाद मिल जाता है वो काम एक रॉकेट की तरह आगे बढ़ता है, ये मेरा मानना है। तो इस काम के लिए आज हमें आशीर्वाद मिल रहा है। अगला प्रोग्राम भी हमारा मॉडल टाउन में है, इसमें मैं तहे दिल से सुरुजा फिरोदिया जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने ई रिक्शा के लिए हमें सपोर्ट किया। और पंजाब नेशनल बैंक का भी धन्यवाद करूँगी, जिन्होंने ई रिक्शा के लिए हमें फाइनेंस किया, मदद की। और मैं ये चाहूँगी कि जो भी यहाँ महिलाएँ आई हैं और जो अतिथिगण आए हैं, वो इस काम के लिए जो महिलाएं आर्थिक रूप से सहायता ले रही हैं वो मेहनत करें और आगे बढ़ें। जो लोग यहाँ आए हैं उनकी मदद भी करें किसी ना किसी रूप से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। हमारे सामने एग्जांपल है एक महिला की, जिसने छोटे से काम से बड़ा नाम कमाया। आप लोग बता सकते हैं कौन सी महिला है? लीजत पापर वाली महिला है, जिन्होंने ऐसे ही छोटा सा काम शुरू करके बहुत बड़ा काम किया। तो मुझे लगता है आज जो महिलाएं सहायता ले रही हैं, उनमें से बहुत सी महिलाएं एक दिन इसी मंच पर आकर दूसरी महिलाओं को सहायता करेंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। आपका है? आपका है तो हाथ खड़े करके ताली बजा के बता दो, हाथ खड़े होकर। जिनका विश्वास है कि ये महिलाएं भी एक दिन बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बनकर यहीं मंच पर खड़ी होकर दूसरी महिलाओं की सहायता करेंगी, तो वो बहुत जोर से एक बार हाथ खड़े करके तालियां लगा दें। बहुत अच्छा, मुझे लगता है जो हमारा सपना है सारे देश में चौपाल को लेकर जाने का, अभी हरियाणा में लेकर जा रहे हैं और उसके बाद यूपी में भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं, और उसके बाद जहां माननीय मदनदास देवी जी का ऑर्डर होगा, जहां निर्देश होगा, भोलानाथ जी की टीम के साथ हम आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ साहनी जी की पत्नी का भी हमें आशीर्वाद है। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? सुंदीराम हमारा साथ चाहते हो? आपको मिल रहा है, चौपाल का साथ सब महिलाओं के साथ है। चौपाल हर उस महिला के साथ है जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती है। चौपाल की एक विशेषता है, इसमें मदनदास देवी जी, माननीय मदनदास देवी जी जो इस उम्र में हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और इसकी और एक विशेषता है, इसके साथ सबसे युवा कार्यकर्ता हमारा सौरभ नहीं है, और आज का जो प्रोग्राम किया है वो भी युवा है, जितेंद्र महाजन जी। इसमें युवा पीढ़ी और बुजुर्गों वाली पीढ़ी दोनों जुड़ी हुई है, तो इसलिए इस पीढ़ी में बहुत आशीर्वाद है। अगले महीने सौरभ ने मॉडल टाउन कर रहे हैं, तो मैं आप सबको यहाँ आने पर आपको साधुवाद देती हूँ और आप सबसे उम्मीद रखती हूँ कि चौपाल के प्रोग्राम को आप किसी ना किसी रूप में मदद के लिए आगे आए, या उसको करने के लिए आगे आए, या ऐसी महिलाएं जो आपकी नज़र में हों, जो ज़रूरतमंद हैं, जो काम करना चाहती हैं, उनको
अपने इस एरिया के जितेंद्र महाजन जी या अपने एमपी मनोज तिवारी जी के पास अपना नाम लिखाएं, अगली बार उनको भी मौका मिलेगा। इसी के साथ आप सबको शुभकामनाएं देते हुए जय हिंद।